नोजेस जो ओवर प्रोजेक्टेड रहते हैं, ओवर प्रोजेक्टेड का मतलब जिनकी हाइट ज्यादा रहती है, हम्प रहता है, थोड़े क्रुकेड रहते हैं, टेढ़े रहते हैं, उन नोजेस में करेक्शन के बाद थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगता है हीलिंग होने में, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लगे कि मेरी नाक पूरे तरीके से सीधी नहीं हुई है, लेकिन एज टाइम गोज बाय एंड द स्वेलिंग सेटल्स डाउन, स्वेलिंग मीन्स कि जो नाक के अंदर जब भी हम सर्जरी करते हैं राइट और लेफ्ट साइड रहती है, एंड इट्स वेरी अनलाइकली दैट बोथ द साइड्स विल स्वेल अप सिमेट्रिकली। एक साइड पे हो सकता है जहाँ डिसेक्शन ज्यादा की हो या बोन वर्क ज्यादा की हो, वहाँ स्वेलिंग ज्यादा हो सकती है। सो उस चीज के लिए आप परेशान मत हो, हम बहुत सारे ये वीडियोस बनाते हैं पेशेंट्स की हीलिंग पीरियड के लिए, लेकिन उसके बाद भी जब पेशेंट डिस्टर्ब रहते हैं सो इट रियली हर्ट्स समवेयर इनसाइड, बिकॉज आवर जॉब इज सो दैट वी एजुकेट एवरीवन हुज अंडरगोइंग दीज प्रोसीजर्स, एक एक जो फील करते हैं वो हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि यू कैन बी अश्योर्ड दैट इट हैज हैपेंड टू अदर पीपल एंड समथिंग सेम इज हैपनिंग टू अस एंड वी विल बी ओके। You see this nose, it was a very big nose for her face, a big hump and broad tip and broad ala. I have narrowed down her structure, removed the hump and done a septoplasty for her to straighten her septum. You can see the on table result, and once the swelling settles down the result will be better than what it is appearing at the moment. You can see from all the angles. We shoot these videos so that you can see the before and after on table, because a lot of people think that these results are morphed or edited. So we make online videos, we make on table videos so that you can compare the changes. For more information, call on these numbers. Our managers would be happy to assist you. And if you want to know about the prices, please visit our website, our Insta page, and check the results of our patients.